गाइस सोनम आ रही है, हमने वहाँ से देखा है बाहर निकल के सोनम आ रही है, उसके साथ में बहुत बड़ा प्रैंक करेंगे गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग में। क्या धमाकेदार गाइस मैं करूँगी, अगर यह ब्लॉग ये अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप ये देखना अब आने वाली है गाइस, मैं बहुत गुस्सा करूँगी लेकिन पहले तो पानी देना पड़ता है ना। देख लेती गाइस अभी नीचे से आ रहा है। ऐसे बर्तन पड़े थे लेकिन फिर भी हमने पता है उड़ के, हमें पता था कि जो पता है जो कोई मेरे घर का काम देख लेता है तो वो सटक लगता है यहाँ से, फिर वो दोबारा नहीं आता है, हैं? क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज़ होती है आदमी को, काम दुनिया में काम, काम से क्या घबराना, काम से कुछ नहीं घबराना चाहिए, लेकिन क्या होता है, हम तुमसे तो कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी जो उम्मीद किया था। चलो यार तुमसे तो बात करने की बात नहीं, मन में मामी गुस्सा मत हो, मामी प्लीज गुस्सा मत हो, अरे मामी प्लीज मेरी प्यारी मामी गुस्सा मत हो प्लीज। क्या गुस्सा करेंगे, गुस्सा मत हो, सॉरी। क्या गुस्सा करेंगे, सॉरी किस बात की? अच्छा किस बात की सॉरी? अब रो जाए किस बात की सॉरी, हैं? किस बात की सॉरी? पानी पी लो, उसके बाद देखो किसी कोई दुश्मन भी अपने घर में आए तो उसको ही पानी देना चाहिए, है ना? अब तुम तो फिर अपनी हो, जैसा करो ठीक है। हम तो सोचते थे ना कि हमारा मतलब दीदी जो कहती है हमसे बताती है ना तो वो गलत बोलती है, लेकिन और कम से कम ये सोनम ऐसी नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला ना कि सोनम वाकई में तुम ना जो दीदी ने कहा था वो सही है। नहीं मामी ऐसे नहीं है। फिर भी पता है मैंने कहा था कि कम से कम कोई बात नहीं, लेकिन हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे मामी प्लीज, अरे हटो, गुस्सा मत हो, हटो। परवेश तुम्हारे लिए खाना निकाल दें क्या? क्या पराठे सेक दे कि रोटी सेक दे? तुम क्या खाओगे बोलो? सेक दो। तुमसे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी, कम से कम ना करती तो कम से कम ये तो आके बता देती कि मामी ये काम हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमने काम देख के सिर्फ तुम्हारे वजह से हम नहीं आए थे, हम और भद्राचार्य जी आए तो हमें तो बताना चाहिए था कि हम नहीं जाते, कि हमारे गुरु जी नहीं थे क्या, कि सिर्फ तुम्हारे गुरु जी थे, मम्मी तुम्हारी गई, भाभी गई, सब लोग गए, कि एक बार हमको एक बार इन्फॉर्म तो कर ही सकती थी हमको कि नहीं कर सकती थी, बताओ कर सकती थी ना, है बनता था ना, लगता तो है सोनम काश अगर मेरी लड़की होती तो हम दो चार हाथ तो लगाते, लेकिन बनता नहीं बहुओं को, अगर सास बहू को मारने लगेगी ना तो उसी घर में फिर ये होता है कि सास बोलती बहुत है लेकिन नहीं, अगर दे सके तो प्यार देना चाहिए, किसी को मतलब नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं है। अब मुँह लटका के खड़ी हो गई, अब मुँह लटका खड़ी हो गई, अब ये नहीं कहोगे कि चलो मामी हम कान पकड़ के गलती मान रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, ये तो कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ।
करोगी? चलो माफ किया गाइस, हम सब लोग इसको माफ कर दे रहे हैं। हमारा प्रैंक था, हमारी कोई ऐसी वो नहीं थी, हम इसके साथ में प्रैंक कर रहे थे, तुम्हारे साथ में प्रैंक कर रहे थे। हाँ बहू है, गलतियाँ तो फिर सबसे होती है मेरी प्यारी, मैं प्रैंक कर रही थी। आई लव यू, आई लव यू टू मम्मी। मैं प्रैंक कर रही थी, बोलो गाइस से कि मेरी मम्मी प्रैंक कर रही थी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो, मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं इनके साथ में प्रैंक कर रही थी गाइस, ये प्रैंक मेरा बहुत धमाकेदार जाए तो इसको आगे बढ़ाइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हंसती रहती मेरा इतना डाटा तो भी नहीं बुरा मन, और कोई होता तो रोने लगता, लेकिन रोने आस आ गए थे गाइस, देख सकते हो नहीं। चलो सब, चलो लाइक लाइक सब्सक्राइब डन डन डन।